मैं अरुण शर्मा, वैज्ञानिक भी मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल से। प्रदेश में अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे अधिक निवारी में 47.5 और सीवियर हीट वेव दर्ज किया गया। खजुराहो में 47.4 और सीवियर हीट वेव दर्ज किया गया। इसके अलावा हीट वेव अर्थात टेम्परेचर 45 से लेकर 47 डिग्री टेम्परेचर तक 10 जगहों पर रिपोर्ट किया गया। दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, सिद्धि, सतना, रेवा, शाहडोल, नौगांव, धामा और टीकमगढ़ जैसे जिलों में। वार्म नाइट की बात करेंगे तो चार जगह जो है वो वार्म नाइट प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। ग्वालियर, जिसके अंदर मिनिमम टेम्परेचर डिपार्चर +5.7 रहा, दमोह में +5.3, दतिया में +5.1 और टीकमगढ़ में +4.7 डिग्री मिनिमम रिकॉर्ड किया गया। इस तरह से कहीं भी सीवियर वार्म नाइट को जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया है। प्रदेश में अगर रेनफॉल की बात करें तो वेस्ट मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भीन में 0.9 mm का रेनफॉल दर्ज किया गया और उस तरह से ईस्ट मध्य प्रदेश में अनूपपुर में 6.8 mm का रेनफॉल दर्ज किया गया है। आगे आगे आने वाले आज प्रकृति के मौसम के बारे में बात करें तो प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि साउथ वेस्ट मानसून ने केरल में अपनी दस्तक दे दी है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं इस लाइन को। और साथ ही हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भी मौसम ने अपनी आगाहट दे दी है। इसके अलावा अगर मौसम के आज के बारे में विचरण करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अभी भी एक जम्मू कश्मीर के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरह आज प्रेजेंट है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो नॉर्थ वेस्ट यूपी के अंदर बना हुआ है, जिससे कि एक ट्रफ जो है वो बांग्लादेश की ओर अग्रसर है। इसके इस सबके होते हुए और मॉइस्ट विंड जो है वो हमारे अरेबियन सी में जो है वो एमपी की ओर हल्का सा आ रहा है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके अलावा इन सबके होते हुए आप देखेंगे कि आज हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स में और नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स में हल्का सा जो है वो क्लाउडिंग सा भी हो रहा है। इन सबके होते हुए हमने जो फोरकास्ट जारी किया है, आइए उसके बारे में विश्लेषण करते हैं। 31 तारीख की बात करेंगे तो जो वर्षा आज होने थोड़ी ज़्यादा थी वो कल उसमें जो है वो कमी आएगी और वर्षा मेनली जो है वो डिंडोरी और अनूपपुर जैसे जिलों में ही होने की आशंका बनी हुई है और उनके साथ ही यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी विंड विद 40 to 50 किलोमीटर होने की आशंका है। उसके बाद जो हीट वेव जो हम देख रहे थे, जो हम ऑरेंज कलर बिल्कुल कल तरह से खत्म हो जाएगा था, हीट वेव जो 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा था वो कल जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर इन जिलों में जो हमने येलो दिया है वो फिर भी 44 to 45 डिग्री होने की उम्मीद जताई जा रही है। डे थ्री की बात करेंगे तो जो हीट वेव जो है वो प्रदेश से ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो नॉर्दर्न पार्ट के जिले हैं और गिंडोरी और अनूपपुर जैसे जिले हैं इनके अंदर जो है कुछ कुछ स्थानों पे वर्षा, थंडरस्टॉर्म लाइटिंग गस्ती विंड ऑफ 30 to 40 knots जो है वो यहाँ होगी और अनूपपुर और डिंडोरी के अंदर थंडरस्टॉर्म लाइटिंग गस्ती विंड 40 to 50 knots होने की उम्मीद डे थ्री में जताई जा रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। डे फोर की बात करेंगे अर्थात 2 तारीख की बात करेंगे तो हीट वेव का जो प्रकोप जो है वो प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा, अर्थात टेम्परेचर 45 डिग्री से नीचे ही रहेंगे और सामान्यतः डे थ्री से जो टेम्परेचर है उसमें 2 से 3 डिग्री के बीच में गिरावट महसूस होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन डे फोर के अंदर जो है हमारे एक्सट्रीम जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं जो ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, दतिया और जो एक्सट्रीम साउथ ईस्ट पार्ट हैं जो कि शिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा और फंडुआ के अंदर जो है थंडरस्टॉर्म कुछ कुछ जगह पे होने की साथ में लाइटनिंग गस्ती विंड 30 to 40 किलोमीटर पर होने की जो है वो संभावना जताई जा रही है।